आज हम लोग बातें करने वाले काफ़ी बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं सपने के बारे में। हम सभी सपने देखते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी जब हम सोते हैं तो जो कुछ सपने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। कुछ सपने होते हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हम सभी के मन में हमेशा ये चलते रहता है कि कहीं सपने, जो हम सपने देख रहे हैं आखिर वो सपने हैं क्या, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, आखिर वो जो सपने हैं कहाँ से आते हैं, हमें क्यों दिखाई देते हैं। आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या मनोविज्ञान बताता है सपने के बारे में, और इसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो पहले हम लोग समझते हैं सपने के, पुराने समय में हम इंसान क्या समझते थे सपने के बारे में। पुराने समय में ये माना जाता कि जो इंसान सपने जो है वो क्या होता है ना, भगवान के द्वारा दिए गए होते हैं, भगवान के द्वारा दिखाए जाते हैं। अगर भगवान किसी पे बहुत ज़्यादा खुश है तो उसको बहुत अच्छे सपने आएंगे, अगर भगवान किसी पे बहुत नाराज है तो उसको बहुत डरावने सपने आएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में ये माना जाता था कि अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं इसका मतलब आपको किसी तरह की शक्ति प्रभावित कर रही है। और कुछ कुछ जनजातियों में ये माना जाता है कि जो सपने होते हैं जब हम सोते हैं उस समय क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर से आत्मा निकलती है और बाहर घूमती है। उस समय जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वही हमें सपने के रूप में दिखती है। ये तो हुआ पुराने समय में क्या लोगों की परंपरा थी, क्या सोच थी सपने को लेके। उस समय लोग ये भी सोचते थे कि जो इंसान सोया रहे अगर उसको बहुत तेज़ी से उठाया जाए तो ये गलत होता है, क्योंकि उस समय आत्मा जो होती है शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है और इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो बहुत सारे जनजातियों में अभी भी लोग जो सोए रहते हैं उनको बहुत तेज़ी से नहीं उठाते। ये तो हुआ पुराने समय में सपने को लेके हम क्या सोचते थे, क्या हमारे विचार थे। अब हम लोग बातें करते कि आधुनिक समय में क्या मनोविज्ञान कहता है सपने को लेके। तो पुराने समय में ये माना जाता कि सपने बेकार होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। हर सपने का अपना एक मतलब होता है, हर एक जो सपना हम देखते हैं उसका एक कोई अर्थ होता है। तो मनोविज्ञान का मानना है कि सपने का कोई ना कोई एक अर्थ होता है, हर सपना अर्थपूर्ण होता है। अब सपना, सपने की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं इसे हम समझते हैं। जो सपना होता है, मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारे अचेतन मन में जो चीज़ें दबी रहती है, जैसे बहुत बार होता है कि हमें कोई चीज़ सोचा रही, किसी के बारे में हमने सोचा, फिर हमें लगा अरे इतना गलत हम कैसे सोच सकते हैं, तो वो चीज़ें दब जाती हैं। उसी तरह से किसी बच्चे को कोई चीज़ खेलना है उसको नहीं मिला तो इच्छा उसके अंदर दब जाएगी। तो ये माना जाता है कि सपना क्या होता है कि हमारे अंदर जो इच्छाएँ दबी हुई हैं, जो दमित इच्छाएँ हैं वो सपने में प्रकट होती हैं, वो अचेतन मन में जो भी चीज़ें दबित होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो हम समझते हैं सपने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता, सपना सार्थक होता है। कहने का मतलब कि हर सपने का अपना एक मतलब होता है, बिना मतलब का कोई शौक नहीं होता। दूसरा होता है, सपना प्रतीकात्मक होता है, मतलब वो प्रतीक के द्वारा हमको दर्शाता है। जैसे आप सपने जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कीड़े मकौड़े, या फिर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, या फिर आप खाई में गिर रहे हैं, तो ये हर चीज़ का एक मतलब होता है। जैसे जो इंसान खाई में गिर रहा है तो वो क्या होता है, उसको देखिए कि वो अपने लाइफ में आजकल फेल हो रहा है, तो उसे हमेशा सपने में लगेगा अरे हम गिर जाएंगे, उसको हमेशा डर रहेगा कि हम गिर रहे हैं। तो जब हमें लगता है कि वास्तविक जीवन में हम फेल हो रहे हैं तो वो सपने में हमको उस तरह की चीज़ें दिखाई देंगे। जो बहुत तनाव में रहता है उसको देखिएगा बहुत डरावने स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न क्या होता है, अपना रूप बदल के आपके सामने आते हैं प्रतीक के रूप में। हाँ, कुछ कुछ सपने होते हैं जो भविष्य के बारे में हमें बताते हैं। कभी कभी आपने सोचा होगा, सुने होंगे सर हम सपने तो देखे और अगले दिन वो सही हो गए, अगले दिन वो सपना सही हो गया। तो कुछ स्वप्न क्या होते हैं, भविष्यमुखी होते हैं, जो भविष्य के बारे में हमें बताते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला। तो मेनली स्वप्न क्या होता है कि हमारे अंदर जो दमित इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो मन के अंदर जिस इच्छाओं को हम दबा देते हैं वो सपने में वो इच्छाएं प्रकट होती हैं, और प्रकट होती हैं अपना रूप बदल के हमारे सामने आती हैं जिसे हम देखते हैं।
लेकिन उसका मतलब हम नहीं समझ पाते। जब भी कोई पेशेंट आता है साइकोलॉजिस्ट के पास तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपने किस तरह के अभी सपने आ रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, तो उसके पीछे का जैसे आप सपने बताएंगे उसका विश्लेषण जब करेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपके जीवन में भी क्या चीज़ें चल रही हैं। अब हम बातें करते हैं कि सपने कितने प्रकार के होते हैं और क्यों हमें इस तरह के स्वप्न जो है, जो सपना है वो आखिर हमें क्यों आते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोग बातें करते हैं। पहला सपना होता है जिसे हम कहते हैं इच्छा पूर्ति स्वप्न। इस सपने का मतलब ये होता है, कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है जिसको आप खेलने से मना कर रहे हैं कि अरे तुमको नहीं खेलना है, मत खेलो इस खिलौने से, या फिर उसको कहीं जाने का मन है उसे आप मना कर रहे हैं, तो बच्चा सपने में सोएगा और सपने में देखेगा कि उसी खिलौने से खेल रहा है, उसी जगह चला गया है, फिर आपको उठ के बताएगा अरे जानते हैं हम वहाँ पर गए हुए थे। इसी तरह से किसी बच्चे को खाने का बहुत मन है किसी मिठाई को या फिर किसी चीज़ को, उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा कि जब सपने में देखेगा तो उसी मिठाई को बहुत ज़्यादा खा रहा है, फिर वो आपको बताएगा। तो इच्छा पूर्ति जो स्वप्न होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं दबित होती हैं, जिसे हम इच्छाओं को दबा देते हैं, उसे हम सपने में पूरा करते हैं। इस तरह के स्वप्न को इच्छा पूर्ति स्वप्न कहते हैं। दूसरा स्वप्न होता है दुश्चिंता स्वप्न, मतलब जिसमें हमको डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें हमको दिखाई देता है कि कुछ हमको दौड़ा रहा है या फिर कोई हमें ढकेल रहा है या फिर कोई हमें मार रहा है, हम भाग रहे हैं, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, डर के मारे आप उठ जाते हैं, ऐसे स्वप्न को कहते हैं दुश्चिंता स्वप्न। ऐसे स्वप्न आपको तभी आएंगे जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, आप किसी चीज़ से डरे हुए हो। जब आप किसी चीज़ से डरे रहेंगे, जब आप किसी चीज़ से भागेंगे, तब ये इस तरह के स्वप्न आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो अगर ऐसे स्वप्न आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो उसको तुरंत दूर कर लीजिए, ऐसे स्वप्न नहीं आएंगे। उसके बाद होता है दंड स्वप्न। बहुत बार ये होता है कि हम देखते हैं कि हम अपने आप को सजा दे रहे हैं, हम अपने आप को मार रहे हैं, हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं। ये सपने वैसे इंसानों के जीवन में आते हैं जिनका सुपर ईगो तो बहुत हाई होता है, जो गलत काम कभी नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में या फिर जानबूझ के उनसे गलत काम हो जाता है। तो जब उनसे गलत काम हो जाता है तो क्या होता है कि ये फिर उनको परेशान करता है, उन्हें लगता है कि हमसे गलती हो गया, कैसे गलती हो गया, फिर ये जब सपने देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अपने आप को सजा दे रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। अगला स्वप्न होता है जिसको हम कहते हैं भविष्यमुखी स्वप्न। ये इस तरह के स्वप्न क्या होता है, हमें भविष्य के बारे में सूचना देती हैं, बताते हैं कि भविष्य में क्या होने वाली। बहुत बार आप देखेंगे सपने में आपने देखा कि एग्ज़ाम आप पास कर गए हैं, फिर जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आप सचमुच पास कर गए हैं, तो भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली उसके बारे में हमें कुछ सपने बताते हैं। उसके बाद होता है समाधान स्वप्न। बहुत बार देखेंगे आप दोस्तों कि कोई बच्चा है जिसका मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, जब वो सोया सपने में उस मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अरे ये तो ऐसे होगा। तो कुछ सपने होते हैं समाधान स्वप्न, जब कोई कठिन प्रश्न को हम बार बार मन में दोहराते हैं तो वो क्या होता है कि जब हम सोते हैं अगर उस सवाल का समाधान वास्तविक समय में नहीं हो रहा है तो वो जब हम सोएंगे तो माइंड हमारा उसका सॉल्व करके हमें बता देता है कि ये ऐसे होगा, वैसे स्वप्न को कहते हैं समाधान स्वप्न। उसके बाद होता है गति संबंधी स्वप्न। बहुत बार आप देखेंगे कि आप आकाश में उड़ रहे हैं, आप हवा में उड़ के सभी को मार रहे हैं, ऐसे स्वप्न आपको तब आते हैं जब जिनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, वैसे लोगों को ऐसे स्वप्न आते हैं। और आखिरी है प्रतिरोध स्वप्न। इसमें क्या होता है कि जब हम दबाव में होते हैं, जब हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं और वास्तविक दुनिया में उसका विरोध नहीं कर पा रहे तो सपने में हम उसका विरोध करते हैं, उसके प्रति हम अपना विरोध दिखाते हैं, हम तरह तरह से विरोध कर सकते हैं सपने में, कि हम चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, सबको डांट रहे हैं। तो ये हैं सपने के प्रकार दोस्तों, कि सपने कितने तरह के होते हैं। तो जब भी आपको सपने आए तो आप देखिए कि आपको किस तरह के सपने आ रहे हैं, उन सपनों का क्या मतलब है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे जीवन में
जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें इच्छाओं को हम दमित करके रखते हैं, वही इच्छाएं हमें सपने के रूप में नज़र आती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों ये था सपने के बारे में, हम जो स्वप्न देखने वो कैसा है, कैसे काम करता है, इस पर आप अपने विचार बताइए कि आपको कैसे स्वप्न नज़र आते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों को जिनको कन्फ्यूज़न हो कि सपना क्या होता है उन्हें ये भेजिए। और आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगता है, और मेरा मेन मकसद है कि हमारे भारतीय युवा हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से हमें भारतीय युवाओं को मजबूत बनाना है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि सारे संसाधन हैं, हम मेहनती हैं, हम हर वो काम कर सकते हैं जो बाहरी छात्र कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बस यही होता है कि हमारी पर्सनालिटी कमज़ोर होती है, हम लोगों से बात करने में डर लगता है, हम अपने बारे में ही नहीं समझ पाते हमें करना क्या है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हम भगवान बजरंगबली की तरह हैं जिसके पास शक्ति तो है लेकिन उसे यही नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता कि करना कैसे है। तो हमारा मेन मकसद यही है दोस्तों कि भारतीय युवाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रांग बनाना। तो इसमें आपका बहुत योगदान चाहिए, आप सभी अच्छे से रहें अपने घर में, और आगे आने वाले समय में और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं।